वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको मंत्रा L1 का ड्राइवर इंस्टॉल करके बताया, उसी प्रकार से मोर्फो RD या L1 का ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाएंगे। कुछ लोगों को ड्राइवर तो इंस्टॉल हो रहा है पर पोर्टल पर वर्क नहीं कर रहा है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफी जितने भी मोर्फो के सॉफ्टवेयर हैं सभी इंस्टॉल किए और उसके बाद देखा कि कौन सा किस ऑप्शन पर वर्क कर रहा है और कौन सा किस ऑप्शन पर वर्क नहीं कर रहा है। इसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लिखना है मोर्फो L1 या मोर्फो RD सर्विस भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पर मिलेंगे, आपको देखिए यहाँ पर, यहाँ तो मिलेंगे L0 के ड्राइवर और यहाँ पर मिलेंगे आपको L1 के ड्राइवर। तो आपको ये L0 है और ये L1 है। तो आप देखिए, कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे लिखा है सबसे नीचे APP RD, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे पंजाब का कियोस्क चला रहे हैं, AEPS ICI पोर्टल चला रहे हैं, HDFC चला रहे हैं, तो वो लोग इस पर से डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर है कुछ रेली पे, आइकन इंडिया, एस पे या जो भी है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग सभी के ड्राइवर दे दिए हैं कि आप इन इन ऑप्शन का यूज करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है कुछ, ये HTTP करके L1 और ये होस्ट है HTTP होस्ट और ये HTTP, ये सारे वर्जन दिए हैं। तो आप अपनी कंपनी से भी जानकारी कर सकते हैं, या इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा या इसका एप्लीकेशन दूंगा, वो सभी पर वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे डाउनलोड किया तो मेरे कुछ जगह पर नहीं काम किया और कुछ जगह पर काम किया। तो मैं, ऐसा एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जो CSC HDFC द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर देखिए मेरा CSC मतलब मेरा HDFC लॉगिन है। जैसे ही मैं जाऊँगा बैलेंस इंक्वायरी पर तो डेली की तरह मुझसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास है, अभी मैंने इसे ओपन भी नहीं किया, मतलब यहाँ से वायर इसका खोला भी नहीं है, वायर भी खोल करके दिखाऊंगा और वहां पर सर्चिंग हो रहा है। तो जैसे मैं जाऊंगा चेंज पर, चेंज पर जाने के बाद यहाँ पर तीनों मशीनों के ड्राइवर शो करेंगे। देखिए मंत्रा का यहाँ पर दिखा रहा है, स्टैटिक का यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपकी जो भी डिवाइस है मैं यहां से डाउनलोड कर लूंगा और यही सॉफ्टवेयर मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो CSC द्वारा बनाया गया है या HDFC पोर्टल द्वारा बनाया गया, ये लगभग तीन चार प्लेस पर, स्थानों पर काम कर रहा है। मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड में, डाउनलोड में आ चुके हैं हम। इसे करेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मोर्फो, एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है L1 L0 RD सर्विस HTTP D2FC0642। अगर हम यहाँ पर डालते हैं इसके पोर्टल पर और पहला वाला जो ऑप्शन है ये वाला, अगर हम इसे डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद देखिए जो कोड वहां पर बन रहा था ना 2FC0642, वही कोड यहाँ पर बन रहा है। तो लगभग ये एक ही कोड है या एक ही ड्राइवर है। तो चलिए मैं इसे छोड़ता हूँ और डाउनलोड में जाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको ये वाला मोर्फो जो मैंने HDFC पोर्टल से डाउनलोड किया है, मैं इसे इंस्टॉल करूंगा। इसका फोल्डर ये यहाँ पर रहा, या फिर आपको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डायरेक्टली मैं ऐसा ओपन करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, ओपन करता हूँ सेटअप पर, सेटअप को ओपन करता हूँ और डबल क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल के लिए क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर यस कर देना है, हो सकता है कि ये स्क्रीन आपको नहीं दिखे। और ये लिखा रहा है, पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है L1 RD सर्विस, आप देख सकते हैं यहाँ पर L1 RD सर्विस इंस्टॉलर। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ देर विंडो आपकी रुकेगी, जो ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर आई है यह स्क्रीन कुछ देर आपके सामने रुकेगी और लिखा हुआ रहा है द मोर्फो RD सर्विस इज स्टार्टिंग, और मोर्फो सक्सेसफुल हो चुकी है और वो विंडो अपने आप ही क्लोज हो जाएगी जो पॉपअप खुला था। उसी के बाद ये अपने आप चलेगा और यहाँ से कुछ नहीं कर देना है, आपको यहाँ से सब कुछ एग्जिट कर देना है। फिर या तो अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है या फिर आपको जाना है सर्विस में। अभी देखिए मैंने डिवाइस नहीं लगाया है, डिवाइस मेरे पास ये रखा है और मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और सर्विस में जाना है, सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मोर्फो और रिस्टार्ट पर क्लिक कर देना है।
दोनों इसके जो एप्लीकेशन है दोनों को रिस्टार्ट कर देना है। पहले जब हम मोर्फो ड्राइवर इंस्टॉल करते थे तो हमारा जो अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन जो होता है ना कंट्रोल पैनल में, वहां पर दो ऑप्शन शो करते थे, अब तीन ऑप्शन वहां पर शो करने लगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो भी कंट्रोल पैनल खोलता हूँ और अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स में जाता हूँ। और देखिए यहाँ पर मोर्फो स्मार्ट, मोर्फो आरडी सर्विस और आईडीमा L1, ये तीनों यहाँ पर दिखाने लगा। देखिए 1 जुलाई, 1 जुलाई, एक मैंने आज ही इंस्टॉल किया है, यहाँ पर दिखा रहा था। मैं एग्जिट कर देता हूँ और ये भी मैंने रिस्टार्ट कर लिया, यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं अपनी मोर्फो का जो वायर है ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल को मैंने उठा के रख दिया था। जब मेरी L1 L0 काम कर रही थी तो मैं इसे क्यों यूज करूँ। तो इसकी जो वायर होती है वो सबसे लंबी वायर, अगर मैं बात करूँ तो मोर्फो में ही सबसे लंबी वायर होती है। आप अपने सिस्टम में आपका जो कंप्यूटर नीचे रखा है आप पॉइंटर के अनुसार घुमा हुआ के जहाँ से भी आपको लेके आना वापस ला सकते हो। तो डिवाइस अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और इधर मैं अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करूंगा, चाहो तो आप आवाज भी सुन सकते हो। कंप्यूटर से आवाज आ गई है कनेक्टेड की और इसमें भी लाइट बिलिंग हुई होगी हल्की सी, हालांकि मैं नहीं देख पाया, मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूनिट प्रोग्राम्स इस तरीके से आया था। और अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉपअप और आएगा आपके सामने तभी ये काम कर पाएगा। तो इसका वायर लगभग 1.5-2 मीटर का होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग वायर में आप दूरी पर फिर रखकर भी इसे काम कर सकते हो, जैसे मेरा कंप्यूटर नीचे रखा है। देखिए प्रोग्राम कंप्लीट सक्सेसफुल, डिवाइस इज रेडी, इस तरीके से हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने HDFC में, यहाँ से क्लोज करता हूँ और बैलेंस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आई, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है हमारी डिवाइस को सर्च कर रहा है। अगर हमारी डिवाइस इंस्टॉल है तो डिवाइस यहाँ पर आ गई है। देखिए पहले नॉट इंस्टॉल के लिए कह रहा था, अब इंस्टॉलिस आ गया। जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा तो डिवाइस मैंने आपके सामने कर दी है। और अभी देखिए इसमें डिवाइस नो फिंगर डिटेक्टेड, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिंगर ओके उधर लिखा हुआ आ गया है और इसकी लाइट जो है बंद हो गई है। प्लीज वेट, हमारा जो HDFC वाला पोर्टल है उस पर ये प्रॉपरली वर्क कर गया है ये वाला एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करूंगा, आप वहां पर मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये ओके हो गया है, उधर प्लीज वेट आ रहा है लिखा हुआ, अभी हम देख लेते हैं कंफर्म, या फिर इससे टाइम थोड़ा खर्च हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने डीजी पे लाइट पर की तरफ। तो डीजी पे लाइट मैंने लॉग इन करके रखा है, डायरेक्ट में डिवाइस अटैच डिवाइस पर क्लिक करूंगा। देखिए ये RD1 है, क्योंकि अगर मैं कैमरे के पास लेके जाऊंगा तो वो ब्लर मार देगा, फिर सारी वीडियो ब्लर में ही चली जाएगी, इसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाऊंगा। मैं पर इसका फोटो आपको इस पर लगा दूंगा स्क्रीन पर। तो जैसे ही मैं डिवाइस चेक डिवाइस पर क्लिक करूंगा तो वहां पर चेक डिवाइस कंफर्म करेगा कि डिवाइस में है या नहीं है। और जैसे ही मैं कैप्चर पर क्लिक करूंगा तो देखिए लाइट इसमें जल गई है और मैं यहाँ पर अपना फिंगर लगाऊंगा, फिंगर ओके उधर आ गया है और स्कैनिंग सक्सेसफुल हो गया है। 52% हमारा इसमें फिंगर लिया है और मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। तो जो हमारा डीजी पे लाइट है वो भी प्रॉपरली इस एप्लीकेशन से वर्क कर गया है। डीजी पे लाइट हमारा ओपन होकर के आ चुका है। अब मैं तीसरा पोर्टल आपको दिखाने वाला हूँ जो CSC से बिल्कुल अलग का है, और ये है देखिए तेज एयरटेल पेमेंट बैंक का है। और मैंने डायरेक्टली इसे लॉगिन पर क्लिक कर लिया है, क्योंकि AEPS के लिए इसमें भी F2 2FA मांगता है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं एजेंट का अंगूठा लगाए पर क्लिक करूंगा तो मैंने क्लिक कर दिया है, उधर प्रोसेस होने लगा है। प्रोसेस होने के बाद इसमें लाइट जल गई है, क्योंकि ये पोर्टल मेरा नहीं है इसलिए मैं इस पर फिंगर नहीं लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया है वो तीनों सॉफ्टवेयर पर प्रॉपरली वर्क कर गया है। और इसका जो अब मैं लास्ट में आपको इसका वो दिखा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो को मैं लास्ट करने वाला हूँ, अगर वीडियो ब्लर भी हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइस जो है हमारी RD1 है, देख सकते हैं RD1 डिवाइस है हमारी और प्रॉपरली वर्क कर गई है। Windows 10 हमारी है, आज 1 जुलाई है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।